प्रोड्यूसर है नरेंद्र कुमार, उनके उनको ये लगा कि जब उन्होंने स्क्रिप्ट प्रोड्यूस करने का सोचा था, उनको ये लगा कि यार ये रोल मेरे से करवाना चाहिए, तो संदीप मोदी और वो लोग मेरे पास आए। अब मैं इतने सारे सालों से इंडस्ट्री में बैक, ज़्यादातर काम मैंने ऑफ स्क्रीन किया है, और इतना बड़ा काम ऑन स्क्रीन करने का मौका मिला तो मुझे लगा कि ये चैलेंज लेना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए, और मैंने वो चैलेंज को स्वीकार किया। ओके, क्या किरदार आप निभाते नजर आएंगे? यू नो, एज पर द इंफॉर्मेशन यू आर प्लेइंग अ मेंटली इल, नॉट मेंटली इल, नो नॉट एट ऑल मेंटली इल, आई एम ट्राइंग टू प्ले, मतलब मेरा जो किरदार है वो थोड़ा सा, ये कहानी है एक बच्चे की जो उम्र में काफ़ी बड़ा है और एक बड़े आदमी की जो उम्र में काफ़ी छोटा है, थोड़ा सा स्लो है, तो इन दोनों की इक्वेशन की ये कहानी है, तो वॉज रियली 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 चैलेंजिंग एंड आई डिड इट। अपना काम जितनी मेहनत करनी थी करी, अब देखते हैं लोग कैसे उसको रिस्पॉन्ड करते हैं। ओके, क्या फिल्म को फेस्टिवल्स वगैरह में, क्योंकि मामी में शुरुआत कर दी है आपने, एक अलग तरह की फिल्म है, एक अलग तरह का, बच्चे भी इन्वॉल्व हैं, बच्चों को लेके बहुत कम फिल्में बनती हैं, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं बिल्कुल अब ये फिल्म को, लेकिन फेस्टिवल में तो जाएगी, ये जा ही रही है, मामी ने से शुरुआत हो रही है, मामी में मराठी सेक्शन को ओपन कर रही है फिल्म, लेकिन उसके अलावा भी जितनी चीज़ें मतलब, लेकिन एक थिएटरिकल रिलीज़ भी ज़रूरी होता है एक फिल्म के लिए, तो वी आर लुकिंग फॉर दैट। मोस्टली इसी साल हम लोग इसको रिलीज़ करेंगे, और बच्चों को लेके फिल्में कम बनती है, ये बात सच्ची है, लेकिन मराठी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि इसमें अलग अलग तरह के सब्जेक्ट अभी भी उठाए जा रहे हैं, मराठी सिनेमा बहुत बहुत अच्छा काम कर रहा है उस मामले में कि एक बिल्कुल ही लीक से हट के सब्जेक्ट उठाए जाते हैं, तो आई एम श्योर कि ये फिल्म भी अच्छा करेगी। ओके, इंडस्ट्री के किसी फिक्री लोगों को दिखाना चाहेंगे? बहुत सारे बुद्धिजीवी हैं जो आपके दोस्त हैं। यार मैं तो सबको दिखाना चाहूँगा, कुछ लोग यहाँ आने भी वाले हैं आज, अब आज देखो कौन कौन आता है, राजू हिरानी को मुझे दिखानी है फिल्म, पालकी साहब को मुझे दिखानी है फिल्म, गौरी शिंदे है, अभी मैंने पैडमैन पे उनके साथ काम किया पालकी सर के साथ, तो अक्षय सर है हु वॉन्ट्स टू सी द फिल्म, बट आई एम श्योर अक्षय सर यहाँ नहीं आएंगे क्योंकि वो मामी का मामला है, बट या देयर आर मेनी पीपल एंड आई विल बी शोइंग इट टू एवरीबॉडी। ओके, क्या कुछ वजन वगैरह भी कम किया है आपने, अपनी बॉडी पे भी वर्कआउट किया? वी कैन सी दिस, या मेरी बॉडी पे वर्कआउट किया है, वो उसका रीज़न ये है कि मैं थोड़ा तबीयत ख़राब थी इसलिए हुआ है, मैंने कुछ खास उसके लिए मेहनत नहीं की, बट हाँ अब चूँकि सीरियसली एक्टिंग अगर करनी है तो बॉडी पे वर्कआउट करना पड़ेगा और काम वजन तो कम करना रखना पड़ेगा। थैंक यू सो मच। कास्टिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, और बिफोर आई आस्क यू एनीथिंग, लेट अस नो समथिंग अबाउट योरसेल्फ, दो वी स्टिल नो, बट फ्रॉम योर, I'm Sandeep Modi, the director of this film, and ad filmmaker, and also national award winner. This is my first debut film which I have made in Marathi. So yeah, it's called Chumba. Can you guys are here? Thank you so much. Sandeep, इसके अलावा बहुत बड़े-बड़े director के साथ भी आप काम कर चुके हैं, वो experience सब कुछ जोड़ के इस film में लगा दिया होगा, वो experience जाना चाहिए, और कैसे film का जन्म हुआ है, how this film happened? See, basically, of course, every director, every filmmaker you work with, जाने अनजाने में आप उनसे हर किसी से सीखते हैं आप. एंड चुंबक का जन्म पर एज अ आइडिया हुआ अंदर से, जैसे ऑब्जर्वेशन ऑफ लाइफ, एंड वहाँ से बनते बनते वन लाइनर से लोग जुड़ते गए और कारवा बनता गया, दिस इज हाउ इट इज़। व्हाट द फिल्म इज़ ऑल अबाउट? सो कमिंग ऑफ एज स्टोरी ऑफ अ 14 ईयर ओल्ड बॉय प्लेड बाय साहिल, कैरेक्टर कॉल्ड बाड़ू, एंड हिज जर्नी ऑफ ट्राइंग टू फाइंड अ बैलेंस बिटवीन हिज कॉन्शियंस एंड हिज ग्रीड, सो इट्स लाइक दोज टू पोल्स of a magnet, and that's why it's called Chumba. Okay, Sandeep, the casting plays a very important part, you know, especially Savanam Kirkire. It was always there in your mind, you want Savanam to be part of it? Absolutely not. I had no idea I'll cast Savanam. When we wrote it, we had no idea who will play this part, and then our producer, Naren Kumar, he came up with this ingenious idea of casting Savanam, and I thought it must be like a, must be just like a aise hi idea de diya hai, but when we met him and when we read the script and we worked together for a few days, we realized it was the best decision we could take. And I think once you guys watch the film, you'll know it's played the part बहुत बहुत सुंदर तरीके से। ओके, क्या खास होगा फिल्म में? बच्चों में भी बहुत कम फिल्में बनती हैं, अगर हम हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की बात करें, मराठी में बनाने का फैसला किया आपने, ज़्यादा लोगों तक पहुँचती है अगर हम हिंदी में बनाते हैं, और या फिर वो उसका यू नो जो एहसास है खुशबू क्या है? फिल्म जो है ये बहुत ही ऑनेस्ट फिल्म है, और जो कैरेक्टर की भाषा है वही भाषा फिल्म की होनी चाहिए, ऐसा मेरा अनुमान है, और इसलिए फिल्म का ये निर्माण हमने मराठी में किया, वही मेन रीज़न था, कारण था। सिनेमा और आर्ट ये सब एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है, सो ऐसे लैंग्वेज को ज़्यादा मायना उसमें पता नहीं।
Okay, are you planning to take the film to Kashmir Film Festival also? Where did it start? We have the producers here and I think they can the best ones to take this part. Okay, Balu. Yes. How happy you are? कितने खुश हैं आप? साहिल 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 कितने खुश हैं आप फिल्म का हिस्सा बनके और क्या क्या किरदार निभाते नजर आएंगे आप? क्या कर? मैं एक 14 साल का कॉमन सा लड़का हूँ और मेरा ड्रीम और मेरे ह्यूमैनिटेरियन ड्रीम में मैं कैसे फंसा हूँ इस पे ऐसा फिल्म रिलेटेड है. कैसा एक्सपीरियंस रहा सोनम के साथ काम? बहुत अच्छा था, मजा आया. क्या फिल्म रुलाएगी या हंसाएगी? दोनों करेगी. कब कब? फर्स्ट हाफ में शायद हंसाएगी थोड़ी सी, सेकेंड हाफ में थोड़ी सी रुलाएगी. क्या मैसेज देना चाहेंगे ऑडियंस से, क्यों फिल्म का हिस्सा बने, क्यों फिल्म देखे? क्या मिलेगा ऑडियंस को, बच्चों को अच्छी लगेगी? हाँ, सही तो सही, क्यों देखें लगेगी अच्छी. चलिए, थैंक यू. सुभाष सर, रियली गुड टू सी यू. हाउ कम यू आर हियर? किसको सपोर्ट कर रहे हैं? मैं संदीप मोदी और नरेंद्र कुमार की फिल्म चुंबक देखने आया हूँ और अंदर की बात यह कि मैंने फिल्म ऑफलाइन पहले देखी हुई है और मेरा ऐसा मानना है कि ये शायद पिछले कई सालों की जो बेहतरीन मराठी फिल्में हैं उनमें से ये फिल्म एक होने वाली है. संदीप मोदी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? बहुत एंथुसियास्टिक डायरेक्टर है, बहुत अच्छा काम किया है उसने, बहुत इन्वॉल्वमेंट और बहुत कमिटमेंट के साथ काम करता है और मैंने जो फिल्म देखी है मैं जो इतना कह सकता हूँ कि एक बहुत बहुत क्रिएटिव, बहुत अच्छा डायरेक्टर मराठी हिंदी सिनेमा को मिलने वाला है इस फिल्म के बाद. क्या खास लगा फिल्म में? बच्चों को लेके वैसे भी बहुत कम फिल्में बनती हैं, द फिल्म इज कमिंग बैक टू इन मराठी. देखिए, मराठी सिनेमा में बच्चों की या जेन्युइन कहानियों को लेके जिस तरह का काम हो रहा है वो काबिले तारीफ है. मतलब अगर आप मुझसे कहें तो मैं तो मराठी सिनेमा के डायरेक्टर्स के मंदिर बना के उनकी पूजा करूँ, वो इतना अद्भुत काम कर रहे हैं. और वो जो बेहतरीन मराठी सिनेमा आपने देखा है, किला, सैराट, उसी किश्त में ये फिल्म है. ये फिल्म लोगों को उतनी ज़्यादा पसंद आने वाली है. ओके सुभाष जी, और आपकी आपकी तरफ क्या हो रहा है? मैं अभी एक फिल्म लिख रहा हूँ यार, वो लिख लूँगा तो फिर उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन अभी लिख रहा हूँ. कास्टिंग किस जॉनर के बारे में बताना चाहेंगे? किस लिख रहा हूँ, टू अर्ली. ओके, दिवाली के बारे में अगर दिवाली के लिए विश देते हैं सभी लोगों को, सभी मित्रों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं. It's really good to see you, sir. क्या उम्मीद कर रहे हैं फिल्म से और क्या कह रहे हैं? I saw the film one month back. It's a beautiful film and a beautiful direction. It's a very good film. Okay, संदीप के बारे में क्या कहना चाहेंगे? डायरेक्टर उनकी पहली डेब्यू फिल्म है और वेरी गुड, वेरी गुड स्टोरी टेलर, वेरी गुड स्टोरी. ओके, क्या खास लगा फिल्म के बारे में? इट्स अ ह्यूमन स्टोरी और सिंपली डायरेक्टेड स्टोरी है. देयर इज नो कॉम्प्लिकेशन बट इट्स एक्साइटिंगली स्टोरी टेलिंग कॉम्प्लिकेटेड. ओके, कास्टिंग भी बहुत बहुत ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल कास्टिंग, सुपर, शी इज वेरी गुड, शी इज वेरी गुड इन द फिल्म. ओके, थैंक यू. कोई भी कहानी अच्छी होती है. मैंने जिस तरह की फिल्में की है हिंदी में, डन जॉली एल एल बी एंड आई नेचुरल फादर ओबामा एंड ऑल, तो जो भी अच्छी कहानी होती है वो मुझे अच्छा लगता है. आई थिंक द सिंपलिसिटी ऑफ द स्टोरी इज व्हाट अट्रैक्टेड मी. आई पर्सनली आई एम वेरी सिंपल पर्सन एंड मुझे लगता है कि सही स्टोरी बताना ज़्यादा मुश्किल होता है और दिलों को छूने से ज़्यादा मज़ा फिल्म में बनाने में और कुछ है नहीं. इस वजह से हमने एक कहानी सुनी. Okay, you already worked on a project like Fazlur Obama or Jolly LLB, where it's a full-fledged commercial cinema. Yeah, yeah. Or when you're coming with your film, you have chosen a language Marathi. Yeah. Hindi language choose करते तो ज़्यादा approach होती है, ज़्यादा बड़ा wider. Actually, क्या है मेरे ख्याल से language is just a medium. कहानी तो आप यूनिवर्सल बोल रहे हो तो मेरे ख्याल से ऐसा कोई खास फर्क नहीं पड़ता कि आप मराठी में बोल रहे हैं, हिंदी में बोल रहे हैं. और जिस स्केल की ये फिल्म है तो हमें लगा कि मराठी में अगर हम पहले बनाते हैं, अगर लोगों का एक्सेप्ट होता है तो फिर हिंदी में भी हम बना सकते हैं. तो देयर आर पॉसिबिलिटी? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली द सेम कास्ट दैट आई डोंट नो नाउ बट या डेफिनेटली वुड लाइक टू टेल द स्टोरी. ओके, हाउ इज द रिस्पांस सो फार? इट्स बीन फैंटास्टिक. एनीवन पर्सनालिटी फ्रॉम द इंडस्ट्री, दो यू आर पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री, यू वांट टू स्ट्रीम द फिल्म फॉर देम?
अक्षय कुमार आई वर्क विद हिम क्लोजली इन द लास्ट फिल्म LLB 2 एंड आई वुड लाइक हिम टू सी द फिल्म एंड शेयर हिज फीडबैक बिकॉज आई रियली थिंक इज वन पर्सन इज डूइंग फैंटास्टिक वर्क एंड हिज चॉइस ऑफ सब्जेक्ट्स हैज बीन सो गुड सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू हिज रिएक्शंस एंड हिज रिस्पॉन्स टू द फिल्म थैंक यू सो मच आरती जी यार संदीप इज़ अ वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन एंड आई हैव बीन वर्किंग विद हिम फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम एंड सो आई एम एक्सपेक्टिंग अ लॉट फ्रॉम हिज फिल्म एंड आई हैव सीन हिम ग्रो एंड आई नो दैट ही इज़ अ वेरी मेटिकुलस पर्सन एंड ही इज़ अ आउटस्टैंडिंग डायरेक्टर सो आई एम श्योर दैट यू नो ऑल द गुड थिंग्स ऑल हिज क्रिएटिविटी इज गोइंग टू रिफ्लेक्ट ऑन हिज फिल्म एंड आई हैव सीन लाइक पार्ट्स ऑफ द फिल्म एंड दे आर वेरी वेरी नाइस So I'm really expecting a lot of things, and I know that Sandeep will do a great job. Okay, do you think it's a good start when we talk about the film which is based on children or the children involved in it? Yeah, absolutely, and it's a universal concept. So you know, I'm sure that it's gonna appeal to a lot. Although the film is in Marathi, but I know that the language is universal. The language of the film. I mean, I'm not talking about the language, but the film. Yeah, the emotion. It's so universal. I'm sure it's gonna appeal to everyone. Thank you so much. Hello. Hey, Arun.